सब्सक्राइब करन्तु ओडिया बहु यूट्यूब चैनल को आउ प्रेस करन्तु एही बेल रो आइकन को जहाँ फल लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण को ओडिया बहु चैनल रे स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, आज आम गोटे बापा आउ झियोर कहानी जानिबा जहाँ को शुणा पर आपण आखिरे निश्चय लुह आसीजीव। गोटे दिन झियो पूनम घर को आसी बापा को कहला कि बापा मु मो पसंदर पुओ सहित बाहा होई गली। तो बापा को बहुत राग आसला, किंतु से बहुत बुझा लोक थिले। से बस निज झियो को एतिके कहले कि मो घर रु बाहरी जा। झियो कहला कि एबे आंका पाखरे किछि काम नाही, एबे आमको रहिबा को दियो परे पळेबु। किंतु से बापा किछि सुनिलेनि आउ से झियो को घर रु बाहर करि देले। किछि वर्ष बीतीगला आ पूनमर बापांको देहांत होइगला। आ दुर्भाग्यवशतः जो पुओ सहित पूनम बिवाह करिथिला से भी धोखा दे पड़ेला। पूनमर पुओ गोटे झियो गोटे थिले आउ से गोटे होटेल चलाउथिला जेउथिरु तार जीवन कटुथिला। पूनम जेतेबेले जानिला कि तार बापांको मृत्यु होइगला तो से मने मने भाबिला कि भल होला, मते घररु बाहर करि देथिले, मते एका कष्टरे बंचिबाकु छाडी देले। मो स्वामी छाडी के गल्ला परे भी मते घररु डाकिलेनि, मु त जीवनी तांको अंतिम संस्कार रे। किंतु पूनमर पिउसा अंतिम संस्कार रे जीवाकु कहिले, जीवा लोक त पळिलानि, तु थरे देखि कि आसी जा बोली कहिले। पूनम भाबिला कि हां चालो थरे जाई कि आसी जीवि, देखिबी तो मते घररु बाहर करि दे से केते शांति रे मरि छंति। पूनम जेतेबेले ता बापा घर को गला तो समस्त अंतिम संस्कार पई प्रस्तुत करूथिले। किंतु पूनम को ता बापा मरिबार टिक्के भी दुख नथिला, से तो खाली ता पिउसा कहिथिले बोली आसीथिला। अंतिम संस्कार आरंभ हेला, समस्ते कांदुथिले, किंतु पूनम दूर रे ठिया होई देखुथिला। आज पूनम रा बापा को 13 दिन थिला। पूनम रा पिउसा ताको गोटे लेटर देले आ कहिले कि ए लेटर तो बापा तो पई लेखिथिले, समय मिलिले पढ़ी देबो। राति होइगला आ सबु संपर्क पळेइले आ पूनम सेही लेटर बाहर करी पढ़िला। सेथिरे प्रथमे लेखा होइथिला, मोर प्रिय गुड़िया, मते जणा अछि कि तु मो उपरे रागी कि अछु, किंतु तो पापा को क्षमा करि दे। मु जानिछि कि मु तते घररु बाहर करि देली, तो पाखरे रहिबा को जागा नथिला, किंतु मु भी दुखरे थिली, तते केमिति जणा पड़िब। मने अछि जेबे तो 5 वर्षर थिलु तो तो मा आमको छाड़ी पळेइला, तो सेतेबेले तू केते डरुथिलु, केते कांदुथिलु, मो बिना जमा रही पारु नथिलु। रातिरे उठि कांदुथिलु तो मु भी तते पूरा राति जगिकी रहुथिली। जेबे तू स्कूल जिबा पई कांदुथिलु तो केमिति मु तोर स्कूल बाहर पूरा दिन जगुथिली। सेही कंचा सीजा खाइबा मने अछि जहाँ तते पसंद आसु नथिला, मु ताको फोपाड़ी पुणी नुआ खाइबा बनाउथिली कि केमिति तू भोकरे न रहिबु। तो देह जेबे भी खराब होउथिला तो मु मो मनरे बहुत कांदुथिली, किंतु तते हसौथिली। मने अछि परीक्षा बेले जेबे तू पूरा राति पढ़ुथिलु तो मु भी पूरा राति तो सहित जगुथिली। मने अछि तोर सेही छोट कपड़ा पिंधिबा, पूरा कॉलोनी गोटे साइड थिले कि एमिति चलिबनि, झियो छोट कपड़ा पिंधिबनि, किंतु मु सबुबेले तो सहित ठिया होउथिली, काहाकु भी तो खुशी रे बाधा बनेबाकु देउ नथिली। मन अच्छे तोर से ही डिस्को जीवा, मद पीवा, पुओ मान सहित बुलवा, कितु मुझे कथा को ध्यान दौन नी कारण से ही बयस एमती कि दिने तू गोटे एमती पुओ सहित बाहरी आसीगलु जहाँ विषय तेजे कि भी जाना नाला। मु तोर बापा अटे, मु से पुओ विषय सब खबर बाहर कली। से यही काम बास्ना और टापाई एमती के झील को धोखा दे कि तू तो से प्रेम अंध थू कि तू थे भी मत कहलुनि और सीधा बाहरी आसीगलु। मोर केते स्वप्न थिला कि तते चांद तारा परी सजेबी, धूमधाम रे तो बाहाघर करिबी, किंतु तू मो सबु स्वप्न को भांगी देलु। छाड़े एबे एही कथा रे किछि अर्थ नाही, मु तो केवल एथि पई एही चिट्ठी लिखिछि कि किछि कथा तते कहि पारिबी। मोर गुड़िया, आलमारी रे तो मार किछि गहना आउ तो बाहाघर पई मु करितिबा गहना सबु अछि। 3-4टा घर आउ किछि जागा सबु तो ना आउ तो पिला मानक ना रे करि देछि। किछ टका बैंक रही ताकु तू बैंक जाए नहीं आसीबु। आ शेष में मुझे एतिके कहबाकु चाहूँचु मो गुड़िया कि काश तू मते बुझी पारी थांतु, मु तोर शत्रु नहीं, तोर पापा थिली, से ही पापा जी तो माँ मरिबा परे भी द्वितीय विवाह करी नथिला, लोक मानक केते कथा सुनुथिला, खाली एथिपाई बाहा हे नथिले कि तते द्वितीय माँ ठारु किछि कष्ट न मिलु। मोर सबु इच्छा को मारी देली खाली तो खुशी पई। जेबे तू बाहा होई घर को आसीथिलु ना गुड़िया,
ତୁ ତୋର ବାପା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତୋ ମା ମରିବା ସମୟରେ ବି ସେତେ କାନ୍ଦି ନଥିଲି ଯେତିକି ତୁ ବାହା ହେବା ଦିନଠାରୁ କାନ୍ଦିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ କି ସମାଜ, ଜାତି, ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ କ'ଣ କହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିଆଟି ଯିଏ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଯେମିତି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥରେ ବି କହିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲାନି। ଗୁଡ଼ିଆ, ଏବେ ତୁ ବି ତ ମା ଅଟୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଚାର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ତୋତେ ଏହି କଷ୍ଟ ନ ମିଳୁ ତୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠୁ। ଏଇଠି ମୋ ଚିଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ହବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋ ଗୁଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେହି ଚିଠିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଲାଗିଥିଲା ଯାହା ପୁନମ ପିଲାବେଳେ ବନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପାପା। ଏହାପରେ ପୁନମ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ପିଉସା ଆସିଲେ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କହିଲା। ତାପରେ ତା ପିଉସା କହିଲେ, ପୁନମ, ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ସେହି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ତୋ ପାପା ମୋ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ସନ୍ତାନ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହଉ ନା କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା ବାପା କେବେ ବି ଖରାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଚାହେଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମରିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଦେବେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି ବି ବାପା ମାଆ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରିବାନି? ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତିକି କରିପାରିବାନି? ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।